अभी मैं खड़ा हूँ बिहार म्यूजियम में। आप मेरे पीछे बिहार म्यूजियम का साइन बोर्ड देख रहे होंगे। मैंने बिहार म्यूजियम का टिकट ले लिया है। एडल्ट के लिए टिकट फेयर 100 रुपीज, बच्चों के लिए 50 रुपीज। एंड अगर आप स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल के हो या कॉलेज के हो, बड़े हो या छोटे हो, स्टूडेंट को 50% टिकट में डिस्काउंट मिलता है। बिहार म्यूजियम आने के लिए आपको बेली रोड का ऑटो या बस पकड़ना पड़ेगा। यह म्यूजियम पटना हाई कोर्ट के पास बेली रोड में बना हुआ है। चलिए अंदर चल के बिहार म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं। मैं बिहार म्यूजियम के अंदर आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल जैसा बना हुआ है। ये देखिए गाइस, ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो खुदाई में मिली हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति लगी हुई है। ये सारी चीज़ें खुदाई में निकली हैं। और आगे लिए चलते हैं। ये देखिए, ये लग रहा है भगवान कृष्ण का मूर्ति है, जो कि हजारों साल पुराना लग रहा है, खुदाई में निकला हुआ। गाइस ये देखिए, ये सब कांसे की मूर्तियां हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो आप देख कर मतलब चौंक जाओगे। एक बहुत ही वेस्ट मटेरियल का, जो हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, वैसे वेस्ट मटेरियल का बहुत सा खूबसूरत स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे अनयूज्ड जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसमें काफ़ी सारे बर्तन हैं, ग्लास हैं, कटोरे हैं, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन, दूध के कंटेनर, बाल्टी वगैरह हैं, जो कि ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया बहुत ही अद्भुत चीज़ है। और आप जब भी पटना घूमने आओ, एक बार बिहार म्यूजियम घूमने जरूर आओ। यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। गाइस ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही पुरानी दीवार मिली है, जो कि शायद हजारों साल पुराने हैं, खुदाई में निकली हुई। इसमें 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये सब आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हजारों साल पुरानी हैं। वाओ, दिस इज ग्रेट। अभी हम आ चुके हैं पेंटिंग रूम में। यहाँ सब मधुबनी पेंटिंग्स रखी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये शायद छठ पर्व का सीन है। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, एक बहुत बड़ा बर्तन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके चारों ओर लोग चक्कर काट रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, ये हम बाहर निकल आए हैं। अभी देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर कौन कौन सी खास चीज़ें रखी हुई हैं। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। गाइज अगर आपको बिहार को अच्छे तरीके से जानना हो, पहचानना हो, तो आप एक बार बिहार म्यूजियम घूमने जरूर आएँ। इस म्यूजियम में आपको बिहार की हर संस्कृति देखने को मिलेगी। वाव, ये कोई कौन सी हस्तलिपि में है शायद पता नहीं। यहाँ की गजब गजब चीज़ें हैं बिहार म्यूजियम में रखी हुई, आपको जरूर आना चाहिए घूमने। मेरे पीछे पुराने ज़माने का तोप रखा हुआ है, ये तोप पता नहीं अभी काम करेगा या नहीं। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे घंटा वगैरह हैं। ये चाय की केतली रखी हुई है। और ये सब
बर्तन है पुराने ज़माने के, शीशे के, चीनी मिट्टी के बर्तन रखा हुआ है। वाह क्यूट गाइस, ये पेंटिंग देखिए बहुत ही क्यूट पेंटिंग है। गाइस ऊपर से इस चीज़ का नज़ारा तो और भी क्यूट लग रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ जैसा लग रहा है। म्यूजियम के अंदर पेड़, ये पेड़ तो गाइस नकली है। यहाँ ऊपर ढोल ताशे वगैरह लगे हुए हैं। इस कमरे में भी बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। गाइस ये पेंटिंग है, शायद जंगल की है। और ये पेंटिंग देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, लग रहा है इजिप्ट की पेंटिंग जैसा लग रहा है, इजिप्ट के लोगों जैसा ये लग रहा है। और ये कोई पत्थर टाइप का है, पत्थर का टुकड़ा है, बहुत ही कलरफुल है, पता नहीं कौन सा पदार्थ है ये। और ये देखिए पेंटिंग वगैरह सब बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। बिहार म्यूजियम अगर अपने फैमिली और बच्चों के साथ आते हो तो बच्चों के लिए भी यहाँ एक अलग सी गैलरी बनाई गई है। मैं आ गया हूँ चाइल्ड्स गैलरी में। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ जीव जंतुओं के पुतले वगैरह बने हुए हैं। यहाँ भालू है, ये टाइगर है, और यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह भी बने हुए हैं, जिसके साथ लोगों को फ़ोटो खिंचवाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ एक छोटा सा गुफा बना हुआ है, पेड़ पे आम है और पेड़ पे चमगादड़ वगैरह लटके हुए हैं। बहुत ही एक पक्षी वगैरह बना हुआ है, और इस दूरबीन से आप यहाँ नीचे का नज़ारा ले सकते हो जूम करके। ये नज़ारा देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जंगल में आ गया हूँ। यहाँ पे गेंडे वगैरह हैं, बाघ हैं, और बहुत सारे जानवर हैं, गुफा हैं, बिल्कुल जंगल जैसा नज़ारा लग रहा है। पटना के और भी खास टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।